हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपका अपना नब्बू सेब, और आज मैं बनाऊँगा पनीर तवा मसाला। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लाया हूँ आपके लिए। मेरा काम पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि पनीर तवा मसाला कैसे बनाए। तो दोस्तों, सबसे पहले चाहिए होगा हमें एक ऑनियन, एक टमाटो, एक कैप्सिकम। तो सबसे पहले हम कैप्सिकम को कट मारेंगे, फिर इस तरह साफ कर लेंगे जो इसमें बीज है। तो पनीर तवा मसाला बनाने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए होगा पहले। तो इस तरह काट लेंगे, छोटे छोटे क्यूब कटिंग, छोटे पीस कर लेंगे। और इसी तरह ऑनियन को भी कट कर लेंगे। और दोस्तों, और टमाटो को भी इसी तरह कट कर लेंगे। तो टमाटो के जो पीस है वो थोड़े बड़े हैं, इनका क्या करेंगे, इनका एक का दो कर लेंगे, एक पीस के दो कर लेंगे। और अब हमें क्या चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा पनीर, क्योंकि पनीर तवा मसाला बनाना है तो पनीर तो चाहिए। तो पनीर का सबसे पहले पनीर को इस तरह काट लेंगे त्रिकोण में, कि दिखने में भी अच्छा लग रहा है। देख लीजिए, पीस इसी तरह करें तो खाने में तो अच्छा होगा ही। आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा जब बनेगा, देख के कि कैसा हो सकता है। फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह हल्का सा फ्राई किया है मैंने, तो आप भी बनाओगे तो इसी तरह कीजिए। तो चलिए, पनीर हमारा फ्राई हो चुका है दोस्तों। दोस्तों, एक चाहिए होगा पैन, थोड़ा इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा, और थोड़ा सा गार्लिक चॉप, बारीक कीमा किया हुआ लहसुन, ऐसे थोड़ा सा भून लेंगे। और इसमें डालेंगे चॉप कटा हुआ ऑनियन, बारीक कटा हुआ प्याज, और इसे भी दोस्तों अच्छे से भून लेंगे हम लोग इसी तरह। और अब हमें क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्ची, ग्रीन चिल्ली, बारीक कटी हुई ग्रीन चिल्ली। और अब थोड़ा सा डालेंगे टमाटो, एकदम बारीक चॉप टमाटो, इसे भी भून लेंगे, पका लेंगे। और अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डालेंगे हम मसाले में नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और हल्का सा गरम मसाला। थोड़ा मसाले को भून लेंगे ताकि खाने में कच्चा ना लगे। और थोड़ा सा और क्या डालेंगे दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें वाटर, थोड़ा सा पानी, और इसे मसाले को पका लेंगे अच्छे से। और दोस्तों, इसमें डालेंगे ऑनियन ग्रेवी। अगर आप लोग ये सोच रहे कि ऑनियन ग्रेवी कैसे बनाते हैं, आप लोग बनाना चाहते हो, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसमें पूरी रेसिपी मैंने बताई है ऑनियन ग्रेवी कैसे बनाएं। और इसे गर्म होने देंगे, और थोड़ा सा इसमें डालूंगा मैं फूड कलर, ताकि दिखने में थोड़ा कलर आ जाए खाने में, और दिखने में भी बेहतरीन दिखे, बहुत अच्छा दिखे। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे हम। दोस्तों, और इसमें डालेंगे थोड़ा अमूल फ्रेश क्रीम, और जो हमने पनीर फ्राई करके रखा हुआ था उसे डाल देंगे ग्रेवी में।
तो देखिए लगभग तैयार हो चुका है, और थोड़ा सा आप डालेंगे अमूल बटर, और अब क्या डालना है दोस्तों इसमें, अब डालेंगे हम इसमें अमूल क्रश चीज़ बाद में इसलिए डाल रहा हूँ मैं ताकि ये जले ना। और तो देखिए दोस्तों पनीर तवा मसाला तैयार हो चुका है, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे और अब इसे हम निकाल लेंगे एक डिश में। दोस्तों थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम गार्निशिंग के लिए पनीर ग्रेट करके, ऊपर से थोड़ा सा अमूल बटर ताकि खाने में बटर का और थोड़ा फ्लेवर आ जाए। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे टमाटो से, टमाटो काट के इस तरह साइड से लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों तैयार हो चुका है पनीर तवा मसाला, बहुत आसान तरीका है, आप लोग भी बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।